स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में जिम्मेदारी मिली तो आम आदमी के लिए बनाएंगे नीति। मनोज यादव। वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे मनोज यादव ने कहा कि यदि स्वास्थ्य मंत्रालय में उन्हें जगह मिलती है तो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लिए ऐसी नीति बनाएंगे जिससे कम से पैसे में गंभीर बीमारियों का इलाज हो सके। मनोज यादव क्षेत्र में चिकित्सा कार्यों में हर वर्ग की दिल से सेवा करते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने कई लोगों की हर तरह से सहायता की और सामाजिक कार्यों में भी विशेष रुचि रखने वाले मनोज यादव रोहतक पीजीआई और दिल्ली एम्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। सेवा भाव का यह गुण उन्हें विरासत में उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी पालहार राम से मिला। वे अपनी चिकित्सा कार्यों में कैंसर तथा गंभीर बीमारियों की मरीजों की विशेष सहायता करते हैं। अपनी सेवाओं को राजनीतिक रूप से करने पर उन्होंने कहा कि राजनीति में आने का वह समय अनुसार फैसला करेंगे। उनका सपना क्षेत्र के विकास के साथ साथ स्वास्थ्य में भी भारत में उच्च स्तरीय सेवाएं मिले। बिरल को आपने कई लोगों को सम्मानित किया तो कोई विशेष उपलब्धि? देखिए, कोरोना काल में मुझे आज भी याद है कि बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी और हेल्थ वॉलंटियर ऐसे थे जो पिछली बार 26 जनवरी को भी रह गए थे, तो मुझे आज भी याद है हमने बहुत कोशिश की थी। एक दो नाकों पे पुलिस वालों को बहुत सम्मानित किया और उनको मैं चाहता हूँ कि अभी 15 अगस्त के ऊपर DC साहब से और SP साहब से उम्मीद करते, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके आए थे, जो SSO लगे हुए थे, कुछ महिला पुलिसकर्मी भी हैं और मेल फीमेल दोनों ही थे, उनको जल्द से जल्द सम्मानित किया जाए। मुझे याद है कि रोडवेज कर्मियों को भी बाद में कर दिया गया था, तो पुलिस कर्मियों को भी मैं आग्रह करता हूँ और स्पेशल आग्रह है और मैं थैंक यू बोलूँगा उन लोगों को भी, इनको भी 15 अगस्त को सम्मानित किया जाए। जीवन समाज के प्रति समर्पित रहा है, वैसे आपको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्रता सेनानी संग्राम के परिवार से हैं, तो अभी आप हाल फिलहाल में क्या अपने कार्य को रूपरेखा दे रहे हैं? सबसे पहले पत्रकार साथियों को नमस्कार और सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहूँगा स्वतंत्रता दिवस जो है वो बहुत ही नज़दीक है, सभी देशवासियों को उसकी बधाई हो। देखिए, मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से, मेरे दादाजी जो थे वो सुभाष चंद्र बोस के साथ उन लोगों ने बहुत ही मेहनत से काम किया और एक्चुअल जो मायने हैं जो मैंने उनसे के साथ जो रह के सीखा है, एक्चुअल जो मायने जो स्वतंत्रता का ये लोकतंत्र में ही है और उन लोगों ने जिस तरह से इस आज़ादी को, इस देश के लिए, इस मशाल को, जैसे लोकतंत्र को जगाया है, ये मशाल इस देश के लिए हमेशा जागती रहे और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत में ये काम करता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक सभ्य समाज के लिए एक मेडिकल फील्ड में होते हुए समाज की सेवा करूं। और मुझे ये जेनेटिकली चीज़ है मेरे अंदर कि मैं थोड़ा सा शावनिक हो जाता हूं और मुझे कोई भी हमारे घर जब भी आता था किसी मदद के लिए तो मेरे दादाजी जो थे या मेरी फैमिली के और भी कुछ मेंबर हैं वो आँख नीच के मदद करते हैं। इसके लिए हमें, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं मेरे लायक जो चाहे वो मेडिकल फील्ड से, चिकित्सा से रिलेटेड हो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों के लिए काम करूँ। कोरोना काल में भी आपने लोगों की मदद की है, पैसे से भी मदद की है और वैसे भी सुनने में आया है कि आप कैंसर के रोगियों को भी मदद कर रहे हैं, तो ये पूरा आपका कहाँ से सीखने को मिला है? देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले इस मेडिकल फील्ड में होते हुए बहुत बार ऐसे लोगों को मैंने रोहतक PGI में रहते हुए, जब मैं वहाँ पढ़ता था वहाँ पर डेमोस्ट्रेटर रही माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, PG किया मैंने वहीं से, उसके बाद मैं एम्स दिल्ली चला गया मोलिकुलर से मेडिसिन फेलोशिप करने के लिए, तो वहाँ पर इस तरह के जब मरीज आते थे, बहुत सारे जो बच्चों को कैंसर होता था या बड़ों में होता था, तो कोई भी जब मुझे दिखता था और जहाँ मुझे ये लगता है कि अगर मेरी जेब में 100 रुपये है तो मैं अपना खर्चा चाहे 5 रुपये कम कर लूँगा, लेकिन हो सकता है उस गरीब के लिए अगर उसको समय से दवाई मिल जाए या कीमो मिल जाए तो मैं मदद करता था। दूसरे मेरी सोच ये रहती थी, कुछ NGOs के साथ मेरे अच्छे रिलेशन थे, कुछ अच्छे IAS IPS जो लोग थे जिनको मैं यूँ कह देता हूँ कि हाँ ये चीज़ करनी है और ये लोगों के लिए होना चाहिए, गरीब लोगों के लिए, तो मुझे वहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता था और जिससे कि समाज के लोगों को भी बहुत और गरीब लोगों को मदद मिल जाती। अक्सर देखा जाता है कि आप मरीजों की या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिसको ज़रूरत नहीं होती वो भी आपके सामने आए, तो ऐसा कभी अनुभव रहा है आपका? देखिए, एक दो बार ऐसा हुआ था तो मुझे कुछ बैकग्राउंड्स का पता लगता था कि लोगों की आदत हो जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मुझे पहचान रही रहती कि जिसको ज़रूरत होती है तो वो अलग से दिख जाता है, लेकिन कोशिश ये रहती है, टाइम ऐसा रहता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, अच्छे अच्छे रईस लोगों को, आज मैं इतनी बड़ी बातें कर रहा हूँ, हो सकता है जीवन में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो आई एम प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप सामाजिक सेवा जो कर रहे हैं ये मात्र अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं या राजनीति में आने का भी आपका अपना कोई विचार है? राजनीति में तो मेरा बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है
और रही बात राजनीति की, हाँ कुछ राजनीतिक नेताओं के साथ मेरे अच्छे लाइजन है, चाहे वो कांग्रेस हुए चाहे बीजेपी हुआ। मैं व्यक्ति विशेष की विचारधारा देखता हूँ, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो चाहे वो बीजेपी का हो, और जहाँ मुझे ये उम्मीद होती है कि मैं उनको कोई काम समाज के लिए कहूँगा, ये किसी अच्छे आदमी के किसी काम के लिए कहूँगा तो वो हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा मैं सभी नेताओं से रखता हूँ, चाहे वो कांग्रेस का हुआ चाहे वो बीजेपी का हुआ। अपने क्षेत्र में माजरा में एम्स आ रहा है तो ये क्षेत्र के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए इसमें तो बहुत डिनाइन हो गया है, और हम तो चाहते हैं, अपेक्षा सरकार से यही थी कि जल्दी से जल्दी इस पे काम होना चाहिए, और एक कमेटी गठित करी गई थी, अब तो वो शायद धरातल पे जल्दी से जल्दी ये काम होने वाला है। और दक्षिणी हरियाणा के लिए जितने मरीज हैं, मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी इशू था, क्योंकि अहिरवाल का जो मरीज है वो रोहतक पीजीआई तक बहुत कम पहुँच पाता है, एम्स तक, एम्स जैसी संस्थाओं में इतना भीड़ भड़ाका होता है, वहाँ पर नंबर नहीं आता, तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर जो मरीज़ हैं उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और मैं तो सरकार से ही गुजारिश है, इसके ऊपर रावविंदर जी हैं, लक्ष्मण विधायक जी हैं, और यहाँ के जो लोकल हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसको बिल्कुल सिरे चढ़ाया जाए। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में सदस्य के रूप में लिया जा रहा है, ये सच्चाई है तो इस मामले में आप क्या कहेंगे? देखिए ये सच्चाई भी है, इससे पहले भी जो हमारा एनएमसी बिल आया है, एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल अलाइड हेल्थ प्रोफेशन जो बिल आया है, जो वर्षों से बहुत पुराना चला आ रहा था, और वो धरातल पे आदरणीय नड्डा साहब से, डॉक्टर हर्षवर्धन से, हमने मिलके डॉक्टर प्रीति सुदन या डॉक्टर अरुण सिंगल के साथ काम करके रात दिन कुछ ऑब्जेक्शंस क्लियर किए, बार बार ये चीज़ें अमेंडेड होती आ रही थी। तो मेडिकल्स का जितना हमने कवर करना था, चाहे वो एक डायलिसिस वाला हो चाहे एक वो लैब वाला, जितने टेक्नोलॉजिस्ट फॉर्म्स थी या डॉक्टर्स से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसियाँ थी, हमने उनको सबको एक साथ कंबाइन करके, इट्स ए टीम वर्क, तो हमने कोशिश की कि इस चीज़ को भी जल्द से जल्द, अब ये स्टेट में जल्द से जल्द मैनिपुलेट होने वाला है, और इसमें हम हरियाणा सरकार के साथ बिल्कुल मिलकर काम करेंगे, ताकि हर एक स्टेट के अंदर इन लोगों के लिए भी काउंसिल हो। दूसरा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर भी अभी एक दो अमेंडेड की हमारी कोशिश है, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उनमें मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे सरकार ये मौका देती है, पहले भी मैं एक्सपर्ट कमेटी में रहा हूँ, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में काफ़ी बार गया हूँ फंड्स के जरिए, तो वहाँ मेरी कोशिश होगी कि स्वास्थ्य को लेके हम लोग देश के अंदर, क्योंकि ये जो महामारी आई थी इसके अंदर एक बहुत बड़ा इनरोल रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक है, हम सरकार के साथ मिलके और इस काम को बिल्कुल सिरे पे चढ़ाएंगे। लास्ट एक मीटिंग और भी हुई है आज से 5-7 दिन पहले, तो कोशिश ये है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ, आदरणीय अनिल विज जी के साथ मिलकर, हम इस चीज़ को या सेंट्रल मिनिस्ट्री के साथ मिलकर जल्द से जल्द सिरे चढ़ाएंगे। अभी तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे में कोई अपील या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए तीसरी लहर की बिल्कुल दूसरे देशों में कई जगह कई स्टेटों के अंदर भी ऐसा हो रहा है, लेकिन हमारे लिए कोशिश ये है कि हम जल्द से जल्द अपना हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको जल्द से जल्द ठीक करें, और बच्चों के लिए थोड़ा सा स्कूलिंग खुल गई है, तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि आप अपने जो सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं उनके ऊपर पूरा ख्याल रखें। ये चीज़ें बार बार हम मीडिया के जरिए भी देते हैं और विज्ञापन भी आते हैं, और कहीं ना कहीं सोशल समाज का जो लोग अच्छे लोग हैं जो समाज के साथ जुड़ के चलते हैं वो भी मोटिवेशंस करते हैं। लास्ट टाइम हमने वैक्सीन्स के लिए भी मैंने बहुत मोटिवेशंस किया कि आप वैक्सीन लगवाइए, और इसका जो है परिणाम वो अच्छा दिखा आते हैं। तो कौन सी पार्टी के साथ जाना चाहिए? देखिए ये कोई सवाल नहीं, इससे पहले भी बहुत मीडिया मुझसे पूछता रहता है कि आप राजनीति में, राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन मैं राजनीतिक लोगों के साथ रह के, जो अच्छे और ईमानदार लोग हैं, और उनको मतलब नाम मैं यहाँ व्यक्ति विशेषता के तौर पे नहीं गिनाऊंगा, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, उनकी विचारधारा, जैसे अनिल विज हुए, लक्ष्मण जी हुए, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पीजीआई से भी जानता था, एम्स से भी जानता हूँ, और इन जैसे लोगों के साथ काम करना मुझे अच्छा लगता है। इसमें कांग्रेस के भी कुछ नेता हैं, जैसे कि दीपेंद्र हुआ, वो भी लोगों की शाउलिक जो आवाज़ है उसको सुनता है, तो अच्छे लोगों के साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी राजनीति में आने का मेरा कोई मन नहीं है, बाकी जनता जनार्दन है उसी पे निर्भर करता है क्या होगा, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि झज्जर ज़िले में मुझे कोई ऐसा नहीं लगता, और वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है अलग ही तरह की है, तो कोशिश करेंगे, समय मिलेगा तो ज़रूर से ज़रूर जनता की आवाज़ होगी तो हम लोगों को मौका देंगे।